जय श्री स्वामीनारायण। परम कृपालु इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण एवं जेतलपुर धामे विराजमान महाप्रतापी श्री रेवती बलदेव जी हरिकृष्ण महाराज की असीम कृपा से और श्री नर नारायण देव गादी पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य मोटा महाराज श्री एवं परम पूज्य 108 लालजी श्री व्रजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री और समग्र धर्म कुल की शुभ आज्ञा एवं आशीर्वाद से जेतलपुर मंदिर के महंत सदगुरु शास्त्री स्वामी श्री आत्म प्रकाश दास जी और सदगुरु शास्त्री स्वामी श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी के मार्गदर्शन अनुसार जेतलपुर मंदिर द्वारा ये जेतलपुर धाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सबके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इस जेतलपुर धाम डॉक्यूमेंट्री के सौजन्य है परम भक्त श्री मंथन कुमार राजेश भाई पटेल, श्री नर नारायण इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। स्वामीनारायण भगवान ने जो 9 मंदिरों ना निर्माण कराया इमानु एक जेतलपुर मंदिर जे जिनो इतिहास घणो बधो जूनो अने घणो समझवा जेवो छे अने जे प्रसादीनी जग्याओ जेतलपुरना मंदिरना आजूबाजूमां छे એનો મહિમા પણ આપણે બધાને સમજવા જેવો છે અને એના માટેની એક આ સરસ એફર્ટ જેતલપુર મંદિરના દરેક હરિભક્તો અને સંતો દ્વારા જે એક ડોક્યુમેન્ટરીના રૂપમાં સરસ રીતે આપણા સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી છે તો એ આ ડોક્યુમેન્ટરી ખાલી વડીલો માટે નથી પણ આપણી યુવા પેઢી અને બાળકો માટે પણ છે જે આપણે જેતલપુર મંદિરનો ઇતિહાસ આ ડોક્યુમેન્ટરી દ્વારા સમજી શકશે તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દરેક આખી ટીમને જેમણે આ ડોક્યુમેન્ટરી પર ખૂબ મહેનત કરી છે અને આપણા સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ જાળવી રાખવાની એક આ સરસ એફર્ટ છે તો જ્યાં સુધી આપણા સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ આપણે નહીં જાણીએ આપણા દીકરા દીકરીઓને નહીં સમજાવીએ ત્યાં સુધી આપણું ભવિષ્ય સુરક્ષિત નથી તો એ ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા આ એક બહુ જ સરસ એફર્ટ જેતલપુરની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી છે તો જરૂરથી આ ડોક્યુમેન્ટરી નિહાળજો। જય સ્વામિનારાયણ। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। ભારતવર્ષ પવિત્ર તીર્થો કી એક શૃંખલા। પવિત્ર તીર્થો કી ઇસ શૃંખલા મે એક સુપ્રસિદ્ધ તીર્થસ્થલ જેતલપુર ધામ ભી હૈ। આજ હમ ઇસ ધામ કે વિષય મે कुछ वंदनीय और स्मरणीय तथ्य सुनेंगे। जेतलपुर गुजरात का प्रसिद्ध यात्रा धाम और श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का श्रेष्ठ धाम है। ये गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां अहमदाबाद वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से भी सुगमता से पहुंचा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से ये जेतलपुर मुगल काल और पेशवा काल में दक्षिण अहमदाबाद के प्रवेश द्वार और थाना के नाम से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अहमदाबाद के सूबा अपनी सुरक्षा हेतु इस गांव के गढ़ का उपयोग करते थे। भगवान श्री स्वामीनारायण की चरण रज से पवित्र होने के कारण वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध है। जेतलपुर धाम में श्री भगवान के अनेक प्रसादीभूत और दर्शनीय स्थान हैं। आइए आज हम ईश्वरीय और देवपूर्ण दिव्य स्थानों का स्मरण करके स्वयं को कृतार्थ करें। ये श्री स्वामी नारायण मंदिर का प्रवेश द्वार है। अपने शीर्ष आकार और मनमोहक कलाकृतियों से परिपूर्ण होने के कारण बहुत आकर्षक है।
मंदिर में प्रवेश करते ही माँ गंगा का गर्भगृह दिखता है, जो कि श्री स्वामी नारायण भगवान के पूज्य गुरु श्री रामानंद स्वामी के समय से श्री राधा कृष्ण देव का मंदिर था। इसी स्थान पर श्रेष्ठ गुरु श्री रामानंद स्वामी ने श्री राधा कृष्ण देव गर्भगृह की स्थापना की और सदाव्रत आरंभ किया। ये सदाव्रत जूनागढ़ वासी नागरकुल के नरसी मेहता की आठवीं पीढ़ी की वंशज माँ गंगा चलाती थी। माँ गंगा का एक संकल्प था कि जब तक कोई भूखा व्यक्ति मेरा अन्न ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मैं आहार नहीं लूंगी। एक बार लगातार 3 दिन तक उपवास हुआ, तब माँ गंगा की भक्ति और श्रद्धा के कारण स्वयं अक्षराधिपति श्री नीलकंठ वर्णी के रूप में जैतलपुर पधारे। माँ गंगा श्री नीलकंठ वर्णी को देव सरोवर के किनारे से लेकर गर्भगृह में आई। तत्पश्चात स्वयं अपने हाथों से भोजन करवाया था। इसी विशेष दिन से साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ माँ बेटे का संबंध स्थापित हुआ, ऐसा ये पवित्र प्रसादी का स्थान है। माँ गंगा की सदाव्रत की स्मृति में आज भी जैतलपुर मंदिर में प्रतिमास 50,000 से ज्यादा दर्शनार्थी भक्तों को निशुल्क भोजन दिया जाता है। इसमें अन्न दान देकर यथाशक्ति सेवा का लाभ प्राप्त करें। माँ गंगा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पूज्य भगवान श्री स्वामी नारायण और श्रेष्ठ गुरु श्री रामानंद स्वामी कई बार इस स्थान को अपने चरण रज से पवित्र किए थे। सदगुरु श्री रामानंद स्वामी की पवित्र चरण पादुका आज भी इस तथ्य को प्रमाणित करती है। पूज्य गुरु की स्मरणीय चरण पादुका श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के समस्त तीर्थ स्थानों में से अकेले यही है। इस ढोलिया के ऊपर आसन ग्रहण करके श्री स्वामी नारायण भगवान ने अपने श्री मुख से असंख्य ज्ञान और प्रकाश की बातें की थी। इस प्रसाद भुवन में अनंत बार भोजन किए थे, यहां उपस्थित पात्र साक्षात प्रमाण है। भवन में उपलब्ध समस्त पात्र भगवान के भोजन के उपयोग में लिए गए प्रसादी के हैं। एक बार श्री भगवान गढ़पुर से यहां आए थे और यहीं पर छिपकर माखन और बाजरी की रोटी ग्रहण किए थे। कालांतर में भगवान श्री स्वामी नारायण ने ऐसी लीला की थी कि ये कोठी में छिप गए थे। माँ गंगा की छोटी बहन रड़ियात माँ के वंशज एडवोकेट अशोक भाई सोमचंद्र मेहता ने श्री हरि की प्रसादी दर्शन हेतु इस घर में समर्पित की है। इस देवयुक्त भवन में प्रवेश करते ही समस्त भक्तों को शांति का एहसास होता है और मानव शरीर में विद्यमान गलत विचार और कुरीति शून्य हो जाती है। आप सब जैतलपुर धाम में आकर इस परम आनंद का अनुपम अनुभव एक बार अवश्य प्राप्त करें। माँ गंगा के घर से ही जुड़ा यह भव्य और विशाल मंदिर है। यह मंदिर 194 वर्ष पूर्व राजस्थान के भरतपुर के राजा, जो कि कालांतर में दीक्षा लेकर सदगुरु श्री आनंदानंद स्वामी बने थे, उनके कर कमलों द्वारा बनवाया गया है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 101 फीट है। 3 मुख्य गगनचुंबी शिखर है, साथ ही उनके छोटे बड़े गुंबज हैं, जिससे मंदिर की छटा और दिव्यमान हो जाती है। इसी मंदिर में स्वयं भगवान श्री स्वामी नारायण जी ने श्री रेवती बलदेव जी हरिकृष्ण महाराज की स्थापना संवत 1882 अर्थात सन
1826 में की थी। ये मंदिर श्री स्वामीनारायण भगवान के समकालीन पूजनीय 9 मंदिरों में से विशेष स्थान रखता है। यहां विद्यमान मूर्तियों का इतिहास बहुत ही रोचक है। मुगल शासकों के द्वारा हजारों प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय इन मूर्तियों को बचाने के लिए नारदीपुर गांव में जमीन के अंदर इन्हें रख दिया गया था। इसी गांव में मां गंगा के पिता भूधर मेहता रहते थे। भगवान ने स्वप्न में आकर मूर्तियों की सेवा और पूजा करने को कहा। बाद में श्री स्वामीनारायण भगवान ने इन मूर्तियों को मां गंगा के द्वारा जेतलपुर धाम में मंगवाकर अपने हस्त कमलों से प्रस्थापित की। श्री बलदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूनम के दिन लाखों लोग पैदल चलकर आते हैं और यहां पधारने वाले लाखों हरिभक्तों की वांछित मनोकामना को प्रभु पूर्ण करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने संतान हेतु मनोकामना की अर्जी लगाई उन सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। जिसको पुत्र की प्राप्ति होती है वह मिश्री सिक्के या मिठाई से बालक को तोलकर श्री भगवान के चरण कमलों में चढ़ाते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री रेवती बलदेव जी हरे कृष्ण महाराज विराजमान हैं। उनके दाईं ओर श्री राधा कृष्ण देव की पंच धातु से बनी सजीव मूर्ति है, जबकि बाईं ओर सुख शैया है जिनमें भगवान श्री स्वामी नारायण की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। साथ ही श्री भगवान के चरण कमलों की कई छाप दर्शनीय है। मंदिर के अग्रभाग में श्री गणेश जी और पवन पुत्र हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां भी हैं। इस 3 मंजिला मंदिर में गरुड़ जी, सनकादिक, नारद ऋषि और संतों पार्षदों की अनेक मूर्तियां हैं। इस मंदिर के पीछे श्री घनश्याम महाराज का सुंदर मंदिर है। मूर्ति के दर्शन करके परम आनंद की अनुभूति होती है। बगल में ही प्रसादी की वस्तुओं का संग्रह है। 200 साल पुरानी इस अनमोल प्रसादी की वस्तुओं के दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाते हैं। ये काष्ठ से बनी सुंदर हवेली है। इस हवेली में प्रसादी के श्री राधा कृष्ण देव हैं, जो मां गंगा, रामानंद स्वामी और भगवान श्री स्वामी नारायण द्वारा पूजे गए हैं। साथ में बाल स्वरूप श्री घनश्याम महाराज विराजमान है। ये पत्थर जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब उस समय में चूना पिसने के लिए उपयोग में आया था। श्री स्वामी नारायण भगवान ने इस चौक में सभा की, जो वचनामृत जेतलपुर 2 के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में ये चरण छाप है। इस चौक में कई बार सभा की है और उत्सव एवं समया भी किए हैं। ये सभा मंडप सदगुरु श्री आनंदानंद स्वामी सभा मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। 3 मंजिला लकड़ी के ये सभा मंडप का निर्माण अद्भुत एवं दर्शनीय है। प्रसादी के सभा मंडप में अनेक अनेक कथाएं एवं भजन भक्ति के प्रसंग होते हैं। ये सभा मंडप आनंदानंद स्वामी, भाई रामदास स्वामी, गोविंदानंद स्वामी आदि संतों ने अपने हाथों से बनवाया है। श्री स्वामी नारायण भगवान के समय में 50 के आसपास संत यहां निवास करते थे। संतों के निवास के लिए ये सभा मंडप आज भी उपयुक्त है। ये प्रसादी का गढ़ है। मुगल शासन के सैनिक और राज्य के शत्रुओं का सामना करने के लिए ये गढ़ बनाया गया था। भगवान श्री स्वामी नारायण ने यज्ञ किया तब यहां लड्डू रखे गए थे।
जो लड्डू को कई द्वेषियों ने देव सरोवर में डाल दिए। तब श्री हरि ने अपनी छड़ी से पुनः लड्डू भर दिए और घी के कुंड भी पुनः भर दिए। ऐसे चमत्कार यहां बताए हैं। ये गढ़ देव सरोवर के किनारे आया है और हाईवे रोड के पास ही है। ये इमली का वृक्ष प्रसादी का है। इस वृक्ष के नीचे श्री स्वामीनारायण भगवान ने संतों हरिभक्तों के साथ बहुत सभाएं की हैं। एक दिन सुरा खाचर भक्त के कहने से भगवान श्री स्वामीनारायण ने बंदरों से हथियार उठवाए और रामायण काल की लड़ाई का दृश्य दिखाए थे और बंदरों से माला भी करवाई थी। इसी स्थान में आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की स्थापना की है। श्री स्वामीनारायण भगवान ने यहां से अहिंसामय यज्ञ का प्रारंभ किया था। इस स्थान में श्री हरि ने 18 दिन का भव्य महाविष्णु याग और रुद्र याग जैसे अनेक अनेक यज्ञ किए थे और समग्र विश्व में अहिंसामय यज्ञ की पुनः परंपरा की स्थापना की थी। यहां छोटे बड़े अनेक यज्ञ किए गए हैं। अंततः यज्ञ नारायण को तृप्त करके कारण शास्त्रों में इस स्थान को नारायण क्षेत्र भी कहा गया है। यज्ञ में लाखों ब्राह्मणों संतों एवं हरि भक्तों को भोजन कराकर समग्र विश्व में जय जयकार हुआ था। इस स्थान की पवित्रता की रक्षा हेतु यहां प्रसादी के हनुमान जी हैं। ये स्थान अक्षर महल के सामने आया है। इस स्थान में श्री स्वामीनारायण भगवान हर रोज सुबह दातुन और स्नान करते थे। ये स्थान देव सरोवर के किनारे है। ये अक्षर महल है। यह स्थान श्री स्वामीनारायण भगवान को अत्यंत प्रिय था। यह अक्षर महल भगवान के निवास स्थान रूप अक्षरधाम तुल्य है। जब जब श्री हरि जेतलपुर धाम आते तब यही निवास करते थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 360 रात्रि यहां रहे हैं। यहां की अनेक लीलाएं अलग अलग ग्रंथों में लिखी है। यह महल दो मंजिला सुंदर कलाकृतियों वाले पत्थर का है। विशाल महल को आज तक कोई प्रकार की क्षति नहीं हुई है। इस महल में बहुत सारे कमरे हैं। इसमें श्री स्वामी नारायण भगवान रहते थे। इस स्थान में सदगुरु श्री ब्रह्मानंद स्वामी और सियाणी गांव के शिवराम विप्र का अद्भुत संवाद हुआ था। स्वामी नारायण संप्रदाय का महान भक्ति ग्रंथ श्रीमद् सत्संगी भूषण की रचना हुई, उसका संवाद यही हुआ था। अक्षर महल के ऊपर के छत के भाग में श्री हरि की बैठक है। यहां बैठकर श्री हरि ने भाव भक्ति का दर्शन कराते जेतलपुर के जीवन भक्त के मठ की रोटी खाए थे। श्री स्वामी नारायण भगवान ने वचनामृत की परावाणी का श्रवण कराया था। यही यह छतरी है। यहां बैठकर जेतलपुर के पांचवे वचनामृत का श्रवण कराए हैं और जेतलपुर धाम की महिमा का अत्यंत वर्णन किए हैं, जिसमें स्वयं बोले कि ये जेतलपुर गांव में हमने कितने यज्ञ किए और कितने वर्ष यहां रहे हैं, और देखो ये देव सरोवर में हम सभी संत सहित हजारों बार स्नान किए हैं, और ये जेतलपुर गांव में हम घर घर सौ सौ बार घूमे और घर घर भोजन किए हैं, और इस गांव की सीम और गांव को वृंदावन से भी अधिक रमण स्थल किए हैं। इतनी बात की तभी अक्षर महल के ऊपर आकाश में एक तेज का गोला दिखा।
बाद में उनके तीन भाग हो गए और महल के ऊपर थोड़ी देर आकाश में दिखा, फिर अदृश्य हो गया। ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य प्रताप यहां बताए थे। छतरी के पास में ही एक कुआ है। इस कुएं का जल सिंचन करके श्रीहरि और संत जलपान करते थे। यह माहौल में श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने हाथों से शिवजी की स्थापना की है। यहां प्रथम पंचमुखी शिवजी की स्थापना की थी, जो अभी अहमदाबाद कालूपुर मंदिर में श्री नरनारायण देव के बगल में ही है। बाद में यहां ये श्वेत स्वरूप वाले शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और अनेक बार पूजा भी की है। अक्षरधाम तुल्य अक्षर माहौल प्रसादी स्थान की रक्षा और समृद्धि के लिए परम पूज्य आदि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने श्री गणपति जी और महाप्रतापी जीते जागते श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना की है, जो आज भी अनंत लोगों की मनोकामना तत्काल पूर्ण करते हैं। ये देव सरोवर महाप्रसादी का है। ये देव सरोवर की जितनी लीला की बातें करे उतनी कम है। श्री स्वामीनारायण भगवान इस देव सरोवर में अनंत बार संतों भक्तों के साथ स्नान किए हैं। माहौल के घाट के ऊपर से छलांग लगाते थे। पानी में घंटों तक डुबकी लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे। ये देव सरोवर अति विशाल और बहुत गहरा है। जेतलपुर धाम में दर्शन करने आने वाले भक्त इस जल को मस्तक में चढ़ाते हैं और स्नान भी करते हैं। ये प्रसादी की छतरी है, जो अक्षर माहौल और अक्षर फुलवाड़ी के बीच में आई है। यहां पहले सात वड़ के वृक्ष थे। यहां श्रीहरि झूला झूलते थे और संतों भक्तों के साथ रंगों से भी खेले थे। इसी लीलाओं की स्मृति चिन्ह ये छतरी है। देव सरोवर के किनारे अक्षर फुलवाड़ी के सामने मां गंगा की अग्नि संस्कार की छतरी है। यहां पहले मां गंगा के पति विश्वनाथ जी का अग्नि संस्कार हुआ। तब मां गंगा स्वयं सती होने के लिए तैयार हुई, परंतु आकाशवाणी ने उनको सती होने से रोका था। यही ये स्थान है। ये अक्षर फुलवाड़ी का प्रवेश द्वार है। यहां प्रवेश करते ही प्रसादी का गंगा कूप है। इससे आगे दो छतरी है। ये छतरी संप्रदाय के एकमात्र ऋषि ऐसे सदगुरु श्री सतानंद ऋषि के प्रथम आगमन और श्री हरि के साथ मिलन की है, एवं श्री जी महाराज के हजूरी सेवक और पार्षदों में मुख्य राजस्थान के राजपूत वीर भगुजी से श्री हरि का प्रथम मिलन हुआ, उसकी यादें दिलाती महाप्रसादी स्थान की ये छतरी है। सामने ही ये दूसरी छतरी है। आमोद गांव के दीनानाथ भट्ट की पुत्री को भूत का उपद्रव था। मयाराम भट्ट ने श्री हरि के प्रताप से उसे ठीक कर दिया और यहीं पर मुग्धा गांव के ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस के उपद्रव से मुक्त किया था। ये श्री हरि मंडप है। संप्रदाय के महान अग्रगण्य संत सदगुरु गोपालानंद स्वामी, जिनका पूर्वाश्रम का नाम खुशाल भट्ट था, इनका श्री हरि के साथ सर्वप्रथम मिलन हुआ। यह अलौकिक अद्भुत और महाप्रसादी स्थान है। यहीं पर ब्रह्म और परम ब्रह्म का मिलन हुआ था। ये स्थान अजोड़ और अद्वितीय है।
श्री स्वामीनारायण भगवान समकालीन कोई मुक्त आज भी मौजूद हो तो वो ये बोरसली का वृक्ष। इस बोरसली के नीचे श्री स्वामीनारायण भगवान ने अनेकों बार सभाएं की हैं, इनके फूलों का श्रृंगार धारण किया है। ये मुक्त 200 वर्षों से दर्शन दे रहा है। आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने खूब सुंदर कीर्तन गाया है, हरि मिले बोरसली की छैया। श्री हरि मंडप की बाईं तरफ एक छतरी है। यह छतरी संप्रदाय के अग्रगण्य ब्रह्मचारी सदगुरु वासुदेवानंद वर्णी, जिनका पूर्वाश्रम का नाम जीवराम शर्मा था, इनका श्री हरि के साथ प्रथम मिलन हुआ उसकी साक्षी पूर रही है। ये अक्षर फुलवाड़ी का स्थान पूरे ब्रह्मांड में अजोड़ है, क्योंकि श्री स्वामीनारायण भगवान इस दुनिया की कोई भी भूमि के सर्वप्रथम मालिक हुए हो तो वो अक्षर फुलवाड़ी के मालिक हुए हैं। जेतलपुर गांव के जमींदारों ने ये स्थान श्री स्वामीनारायण भगवान को अर्पण की और भगवान को जमीन के खातेदार बनाया। ये स्थान के ऊपर संप्रदाय के अग्रगण्य संत, ब्रह्मचारी, पार्षद और एकमात्र ऋषि सर्वप्रथम यहां आकर श्री हरि से मिले। ये स्थान मुक्तों को भी खींच लाता है। ब्रह्मांड में ये स्थान तुल्य कोई भी अन्य स्थान नहीं है। ये प्रसादी की छतरी है। इस स्थान में एक गरीब बालक अपने मन पर विजय प्राप्त करके श्री हरि के लिए ककड़ी लाया था। उसको श्री हरि ने भरी सभा में खाकर उस बालक को संतुष्ट किया था एवं यहीं पर श्री हरि झूला झूले थे। ये अक्षर फुलवाड़ी में दो स्मृति भवन है, एक गंगा मां स्मृति भवन और दूसरा आनंदानंद स्मृति भवन। दोनों भवन बहुत विशाल और सुंदर हैं। इसमें गंगा मां और आनंदानंद स्वामी के जीवन कवन को दर्शाते अनेक चित्र हैं। ये चित्र बहुत सुंदर हैं। उनके जीवन पथ को यहां जान सकते हैं। ये अक्षर फुलवाड़ी में एक विशाल गौशाला भी है, जिसमें 50 गायें हैं। उनका दूध बलदेव जी महाराज के थाल और दर्शनार्थी भक्तों के उपयोग में आता है। ये वाड़ी में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ये अक्षर फुलवाड़ी में आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज श्री के द्वारा स्थापित और परम पूज्य धर्मधुरंधर 1008 आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज है, जिसमें गुजरात सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी अनेक राज्यों के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। यहां ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए रहना, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें आदि की व्यवस्थाएं फ्री में जेतलपुर मंदिर द्वारा दी जाती हैं और श्री हरि की शिक्षा पत्री के वचन जो प्रवर्तनीय सद्विद्या भूवि यत् सुकृतम् महत, अर्थात पृथ्वी में सद्विद्या की प्रवृत्ति करानी, क्योंकि विद्यादान से बहुत पुण्य मिलता है। ये वचन यहां पर यथार्थ सार्थक होता है। जेतलपुर में पढ़ने वाले संत रहते थे, ये परंपरा आज भी चल रही है। सैकड़ों लड़के रह सके ऐसी सुंदर हॉस्टल की व्यवस्था है और तमाम सुविधाओं के साथ संस्कृत भाषा का संवर्धन हो रहा है। एक ब्राह्मण बटुक को दत्तक लेकर उसका वार्षिक खर्च जो हो उसकी सेवा का लाभ सेवा भावी भक्त लेते हैं। अन्य किसी को सेवा करनी हो तो मंदिर का संपर्क करें।
जेतलपुर गांव के अंदर प्रसादी की जगह की बात करें तो एक गंगा माँ का घर, बेनी बा का घर आदि अनेक हरिभक्तों के घर हैं। आशजी भाई नाम के भक्त के घर में श्री हरि ने स्नान किया था। ये प्रसादी का पत्थर अभी बेनी बा के घर पर है। इस पत्थर को गंगा माँ ने बेनी बा के घर में रखते ही उनको जो भूतों का उपद्रव था वो तुरंत शांत हो गया। जेतलपुर पूरा गांव प्रसादी का है। संप्रदाय में ये एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां श्री हरि घर घर सौ सौ बार जाकर भोजन किए हैं। कभी मनुष्य देह से तो कभी दिव्य देह से दयाराम जैसे भक्तों के घर भोजन किया है। जेतलपुर धाम की विशेष माहिती लेने के लिए jetalpurdarshan.com वेबसाइट की मुलाकात ले सकते हैं। लाइव दर्शन के लिए जेतलपुर मंदिर अथवा कालूपुर मंदिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। गंगा माँ के जीवन पर आधारित जेतलपुरे गंगा माँ टेलीफिल्म देखें और श्री हरि की जेतलपुर की सारी लीलाएं विस्तार से पढ़ने के लिए श्री हरि जेतलपुरे पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जय श्री स्वामीनारायण। सबने मारा हृदय थी जय स्वामीनारायण। परम कृपाणु इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण पधरावेला जेतलपुर धाम महाबढ़िया देव रेवती बड़देव जी हरिकृष्ण महाराज ने सानिध्य थी परम पूज्यपाल धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री तेमज मोटा महाराज श्री तेमज भावी आचार्य परम पूज्यपाद ब्रजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ना आशीर्वाद अने आज्ञा थी जेतलपुर धामना पूज्य मोटा पेपी स्वामी अने धर्मनंदन स्वामी एमना प्रयास थी जेतलपुर धामनी डॉक्यूमेंटरी ए तैयार थई रही छे अने एनी सेवानो लाभ मंथन कुमार राजेश भाई पटेल श्री नंदनारायण इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद ने मळ्यो छे। जेतलपुर धामनो महिमा शब्दोथी केवी रीते वर्णवी शकीए। जेतलपुर धाम बोलीए अने अपना हृदय में टाढ़क वड़ी जाए, अपना हृदय में भगवान स्वामीनारायण आवीने बिराजमान थई जाए एवं जेतलपुर धाम छे। हजारों लाखों हरिभक्तों पूर्णिमा ने दिवसे रविवार एकादशी चालता आवता होय छे। आपणे शू एनो महिमा गई शकीए, पण स्वामीनारायण भगवाने पोते पोताना स्वयं मुखेथी एनो महिमा गायो छे। अपनाथी एनु वर्णन न थई शके, पर स्वामीनारायण भगवान जेतलपुरना पांचमा वचनामृतमा छेल्ले बोले छे के अमे आ समामा कोई वातनु काचू राख्यू नथी जीवना कल्याणने वास्ते। आ जेतलपुरमा अमे वर्षोथी रहीए छीए, अनेक यज्ञो कर्या छे। आ देव सरोवरमा अमे हजारों वार स्नान कर्यू छे संतोए सहित। जेतलपुरनी भूमिमा अने जेतलपुर गाममा घेर घेर सो सो वार आवतो क्याय आपणे वांच्युं नहीं होय, सांभळ्युं नहीं होय, कोई अवतारमां पण जोयुं नहीं होय एवी लीला जेतलपुर धाममां स्वामीनारायण भगवाने करी छे। अने स्वयं पोते बोले छे के आ जेतलपुरनी भूमिने वृंदावनथी पण अधिक अमे करी छे। એટલે જેતલપુરમાં રેવતી બળદેવજી હરિકૃષ્ણ મહારાજ બહુ મોટા બઢિયા દેવ છે। તમે ભાવથી શ્રદ્ધાથી લાગણીથી આવીને દર્શન કરો, તમારા કંઈ દુઃખ હોય તો ત્યાં એમના ચરણોમાં રજૂ કરો। સ્વામિનારાયણ ભગવાન ચોક્કસ એ બળદેવજીએ પધરાવ્યા છે, એ બળદેવજી તમારા મનોરથ તમારા સંકલ્પો બધા જ પૂરા કરે છે। અનંત દાખલાઓ છે, એ દાખલાઓ તરફ આપણે નહીં જઈએ,
પણ જેતલપુરની લીલા સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોમાં વધારેમાં વધારે જો લીલાઓ હોય તો જેતલપુર ધામની લીલાઓ છે. હરિચરિત્રામૃત ગ્રંથ બહુ મોટો ગ્રંથ છે આપણા સંપ્રદાયનો, અને બીજા બધા ઘણા બધા નંદ સંતોએ એ લીલાનું અદ્ભુત દર્શન, અદ્ભુત વર્ણન, એમની લીલા, એમની માધુરી, એમના દર્શન, એમના લીલા ચરિત્રોનું વર્ણન કરેલું છે. એમાં વધારે વધારે જેતલપુર ધામની લીલાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જેતલપુરમાં શ્રીહરિ એવું પુસ્તક પૂજ્ય મોટા પીપી સ્વામીએ લખેલું છે, એની આઠમી એડિશન છપાયેલી છે. એટલે કેટલો બધો એનો પ્રચાર અને પ્રસાર થયો છે. જે લોકો દર્શન કરવા આવે છે એનું સ્મરણ કરે છે. પરમ પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી પણ ચાલતા, લાલજી મહારાજ ચાલતા આવે, મોટા મહારાજશ્રી પહેલાં ઘણી વખત ચાલતા આવ્યા છે. પૂજ્ય ગાદીવાળા પણ એમની મર્યાદામાં રહીને ચાલતા દર્શન કરવા આવેલા છે. તો આટલો બધો મહિમા જેતલપુરનો છે, તો ચોક્કસ આ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ લોકોને ગમશે. અને જેમણે સેવા કરી છે એમના પરિવારને મહારાજ ખૂબ સુખી રાખે. સેવા, સંપ, સત્સંગ અખંડ એમના પરિવારમાં રહે, અને આવીને આવી સેવા આ સત્સંગમાં જેતલપુર ધામની સૌ કરતા રહે. જેતલપુરનો ખૂબ વિકાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે વિકાસમાં સૌને તન મન ધનથી એમાં સેવા કરવાની અમે સૌને વિનંતી કરીએ છીએ. અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ.